हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक और बार आपको मेरे चैनल में इंडियन कोयली ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज ये जाल बन रहा है उसके बारे में सर से यहाँ बताइए थोड़ा। ये अपन जो जाल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं और इसकी लंबाई कितनी है? ये पाइल केज है, देखिए पाइल केज। तो जैसा सर बता रहे हैं ये पाइल केज है यहाँ पे, जो लंबाई फिक्स नहीं होती है, बोर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके सर, ये इसकी मतलब अकॉर्डिंग जो हार्ड स्टार्ट आए जहाँ तक जाना होता है सर, जितना अपना बोर फाइनल करते हैं। हार्ड स्टार्ट तो ये 3D है जहाँ ये अपना एंड बेयरिंग पाइल है। एंड बेयरिंग पाइल में क्या होता है, हार्ड स्टार्ट पे पाइल ले जाकर टिकाते हैं अपने को। जी सर। तो जितना बोरिंग अपना जाएगा, जी सर, जहाँ तक जाएगा हार्ड स्टार्ट जब मिलेगा उससे हम 3D जाएंगे। 3D मतलब सर, 3D मतलब ये होता है जितना पाइल का डाया होता है उससे 3 गुना ज़्यादा और जाएंगे ऐसा। तो सर ये पाइल का, ये पाइल का डाया 500 है। जी सर। तो अपन 3 गुना और जाएंगे तो 1500 और नीचे जाएंगे। 1500 उसके बाद अपने का पूरा फाउंडिंग लेवल प्राप्त हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम कितना गए कितना जाना था वो अपना पूरा टोटल लेफ्ट अपना क्लियर हो जाए, उस हिसाब से BBS बनेगा, उसके हिसाब से इसकी लेंथ की लंबाई प्राप्त होगी। जी जी सर। और जैसे ये सर मैं पूछ रहा था सर, जैसे ये अपना जो सरिया अपन यूज कर रहे हैं सर्कुलर में, वो उसका भी कोई एक फिक्स रहता होगा सर कि 8 mm का यूज करना है? 8 mm का है वो, अपने ड्राइंग में दिया रहता है। वो स्पाइरल रिंग है जो इस जो क्या बोले सर, एक हेलिकल बोल सकते हैं, स्पाइरल रिंग या हेलिकल। हाँ, तो वो ड्राइंग में मेंशन रहता है कितने mm डाया गया है, कितने mm का नहीं है। जी जी। ड्राइंग में हमारे 8 का है, तो 8 का उसका स्पेसिंग दिया 150। उसी हिसाब से अपन BBS डिजाइन होता है। जी, उसी हिसाब से। तो देख सकते हैं यहाँ पे सर ने अच्छी नॉलेज आपको दी, और मास्टरिंग भी प्रोवाइड किया जाता है अंदर की तरफ। मास्टरिंग मतलब हर एक मीटर पे ड्राइंग में शो किया है। जी सर। जो ये बताएं थोड़ा जूम करके सर, ये जो एक डाया का ये वाला जो आप बता रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे जैसा सर बता रहे हैं, जिसे उसको हर मास्टरिंग को वेल्ड भी किया जाता है। हेलिकल स्प्रिंग बाहर वाले रिंग को बोलते हैं और मास्टरिंग अंदर वाले, इस वाले को हेलिकल बोलेंगे और इसको अपन मास्टरिंग बोलेंगे। जैसा कि सर आपने बताया, ये ऊपर वाला था आपने सर्कुलर बता दिया, एक बार और बता दिए सर क्या बताया था आपने? ऊपर वाला है स्पाइरल रिंग, स्पाइरल रिंग, और आपने ये बता दिया मेन बार मास्टरिंग, सॉरी सर जो वर्टिकल है, और मेन बार ये है। जी सर, है ना। और सर इसकी जो स्पेसिंग जो दी है वो कितनी है? ये 16 mm का है मेन बार, जो देख सकते हो सर बता रहे हैं कि 16 mm का है। और सर ये स्पेसिंग कुछ अकॉर्डिंग डिजाइन 150 का है, ये अकॉर्डिंग डिजाइन जो रहता है इसका भी यहाँ पे दिया है 150 to 150। और ये 1 मीटर पे, और ये मास्टर रिंग देख सकते हो, एक ये और एक ये, यहाँ पे इनके बीच की दूरी सेम इंटरवॉल पे सारे हैं, जो 1 मीटर की दूरी दी हुई है। जैसा कि सर ने हमको बताया ये डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केजिंग को तैयार किया गया है। आइए और अपन इसका जो स्टील जहाँ से स्पाइरल रिंग बनाई गई है इसकी मशीन भी दिखाते हैं आपको, जो हमारे भैया लोग इधर जो देख सकते हो काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे बनाया हुआ है, इनको भी सल्यूट है अपनी तरफ से। जैसे देख सकते हो यहाँ पे भैया अपने ये स्पाइरल रिंग बना रहे हैं, जो सर ये जो डाया है ये अलग भी अपन बना सकते हैं इसका? हाँ, हर डाया का अलग अलग होता। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सर कितने का, 500 का है, 500 का, 500 के लिए आपको केसिंग के लिए ये अपना स्पाइरल रिंग 600 का थोड़ा सा बना रहे हैं। यहाँ पे भैया देख रहे हो काफी मेहनत लड़के अपने बहुत मेहनत हैं बना रहे हैं, देख सकते हो। और यहाँ पे चश्मा भी लगा रखे हैं, जो कि उनको उसके बाद में वेल्डिंग भी करना रहता है, काफी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सर इसके बारे में बताइए, जो सर ये बेंडिंग मशीन है, ये देख सकते हो बेंडिंग मशीन है, जो जिस हम मारते हैं ना एल वगैरह मारते हैं, जो 45 डिग्री पे ये सर इसमें देख सकते हो सरिया बेंड किया जाता है, ये बेंडिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन है यहाँ पे, ये कटिंग मशीन, और ये कटिंग मशीन है, सरियों को कट किया जाता है। और जैसा कि देख रहे हो आप हमारे YouTube अभी क्या बोलेंगे इसको अपन, अभी केस डालने से पहले हम उसका डेप्थ चेक करेंगे, ये जो होल का इसका डेप्थ चेक कर रहे हैं, डेप्थ चेक करेंगे कि कितना मीटर मेरा, जो जितना मीटर मैं बोर किया उतना मीटर परफेक्ट, जो जो अंदर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन, कैली। और पूरी मशीन को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक रिंग मशीन बोलते हैं इसको, देखो हाइड्रोलिक रिंग मशीन बोलते हैं। और ये देखते हैं आप रोटेट कर रहा है, अगर मेरा मिल जा रहा है तो केस डालेंगे, केस मतलब चेक कर लेंगे इससे कि कितनी लेंथ में खुद गया है कि नहीं, है ना। और ये जैसे अभी निकल रहा है तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये अभी साफ करेगा, थोड़ा बहुत मड आएगा उसको क्लीन करके बाहर कर देंगे। देख सकते हो वो अंदर से क्लीन है, क्लीन हो गया है, जैसा कि देख रहे हो इस पे अगर पे मिट्टी नहीं है तो बोर क्लीन है। यहाँ पे जैसा नूरल भाई का कहना है कि बोर बिल्कुल
एक तरीके से क्लीन मान सकते हैं यहाँ पे, और प्रॉपर डेप्थ फंसा के अब रोप थ्रो इसको उठाएंगे। देख सकते हो आप रिंग मशीन के थ्रू ही इसको आप लिफ्ट करने जा रहे हैं अपने ऑपरेटर। केस लिफ्टिंग का प्रोसेस चालू होगा आप यहाँ से, ये देख सकते हो भैया लाइव आपके लिए यहाँ पे चल रहा है। काफी हाइट में रहता है इसलिए हाइड्रा भी नहीं यूज कर सकते इसके लिए। ये देख सकते हो आप यहाँ पे केसिंग को आप डाल रहे हैं होल में, ये देख सकते हो। सकते हो यहाँ पे हॉपर को होल्ड करने की प्रोसेस चली है। ये अभी अपन हॉपर को खोल रहे हैं क्या? खोल के पाइप जोड़ेंगे। हाँ देख सकते हो ये हॉपर को खोल रहे हैं, इसमें इसके ऊपर दूसरा वाला पाइप जोड़ेंगे। काफी हैवी रहता है तो दो दो तीन तीन भाई अपने मेहनत कर रहे हैं। देखियो यहाँ पे हॉपर को खोल रहे हैं, प्रीमियम पाइप से ये खोल रहे हैं देख सकते हो। तो दूसरा पाइप अपन दूसरा पाइप फंसाएंगे और पाइप इधर है, ये देख सकते हो एक पाइप इधर पड़ा है, इसको अपन वहाँ से खोलने के बाद हॉपर को फिर ये फंसाएंगे। फिर आप एक बार थोड़ा दोस्तों को हमारे को बताइए, इसको ट्रीमी पाना बोलते हैं। ये देख सकते हो ये जो लगाया हुआ है इसको ट्रीमी पाना बोलते हैं, पाना जिसको थ्रू ये होल्ड करते हैं, होल्ड करेंगे इसको ताकि पाइप नीचे ऊपर को ताकि पाइप नीचे ना जाए। ये देख सकते हो अभी इसको अपन सरिया वगैरह फंसा के होल्ड करेंगे। ये ग्रीसिंग फिर करके एक बार फिर भैया पाइप को क्या बोलते हैं चार मीटर, चार मीटर का सब कैसे है यहाँ पे ऑपर को भी अब दोबारा से चारों साइड से खुदवाना होगा दिया है। और ये देख सकते हो पाइना को उसको ढीला करके अब हटाओ दोबारा से टाइट करो उसको। अब देख सकते हो फिर होल्ड कर दिया एक बार, दो पाइप अंदर जा चुके हैं देखो, फिर खोल रहे हैं और एक और पाइप डालेंगे अभी। ये देख सकते हो यहाँ पे साफ करके एकदम इसको व्यवस्थित अब बैठा रहे हैं। इसके थ्रू अपन कंक्रीट कर सकते हैं।